आज हम बात करेंगे IITs के कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो शायद ही आपको पता होंगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। IIT जब इस्टेब्लिश हुई थी तो IIT में कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता था। स्टूडेंट्स का जो एडमिशन होता था वो बेस्ड ऑन एकेडमिक रिकॉर्ड और उनके इंटरव्यू के बेसिस पे होता था। अब हम फैक्ट नंबर 9 की बात करते हैं। तो इन 1981 में इंडिया की फर्स्ट वूमेन IIT से ग्रेजुएट हुई थी, जो कि मेटलर्जिकल ब्रांच से थी। फैक्ट नंबर 8 की अगर हम बात करें तो आता है IIT रुड़की, और IIT रुड़की क्लेम करता है हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड इन इंडिया, जो कि अगर हम ओवरऑल इंडिया की इंटरनेट स्पीड की बात करें तो उसका भी 6 times है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अब हम फैक्ट नंबर 7 की बात करते हैं, इंटरनेट ईमेल एक्सचेंज। तो फर्स्ट इंडिया का ईमेल एक्सचेंज जो हुआ था वो नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और IIT बॉम्बे के बीच में हुआ था। फैक्ट नंबर 6 की बात करें तो आता है IIT खड़गपुर, और जो कि IIT खड़गपुर फेमस है अपने ह्यूज कैंपस की वजह से। तो अगर हम वेटिकॉन सिटी और मोनाको सिटी को एक साथ जोड़ लें तो उससे भी ज़्यादा IIT खड़गपुर का कैंपस है, जो कि 8.5 square kilometers है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 5 की बात करें तो IIT कानपुर आता है, और IIT कानपुर फर्स्ट इंस्टीट्यूट था इन ऑल ओवर इंडिया जिसने कि सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन प्रोवाइड कराई। फैक्ट नंबर 4 की अगर हम बात करें, IIT कानपुर ही आता है जिसके पास ओन एयर स्ट्रिप है, जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। फैक्ट नंबर 3 की बात करें तो आता है IIT BHU, जो कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में IIT BHU का कैंपस वॉर में यूज हुआ था। फैक्ट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो आता है IIT मद्रास, और IIT मद्रास के पास फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी इन इंडिया अवेलेबल है। फर्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, जो कि है IIT रुड़की की, और IIT रुड़की वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया है, जिसकी स्टार्टिंग 1847 में हुई थी एज अ थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इसी टाइप के कॉलेज से रिलेटेड वीडियोस के लिए और कॉलेज कैंपस टूर के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।